हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ये पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसके बाद आयोटा, व्हाट इज़ आयोटा एंड आयोटा की पावर एन, उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं एक बार दोबारा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसे लिखा था, देखो कि जेड इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी, ऐसे वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे कहा था। तो ये जो ए है, ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए, तब ये जो ए है ए, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये जो बी है बी, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं आर ई जेड, इसका मतलब क्या होगा, वही होगा रियल पार्ट ऑफ जेड। सेम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को भी ऐसे लिख देते हैं आई एम फिर जेड, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ये हमने देखो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर पिछले लेक्चर में इतना पढ़ा था हमने ये सब। यहाँ पे मैंने ये कहा था कि जेड ए और बी दोनों रियल नंबर होंगे। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या चीज़ है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में भी बता दिया आपको कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हो, देखो एग्जांपल के लिए ऐसे लिखा मैंने जेड इक्वल टू थ्री प्लस में टू आयोटा। तो इस क्वेश्चन में सॉरी इस एग्जाम्पल में इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पूछें अगर आपसे आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड वो कितना है थ्री है, और आपसे पूछे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो वो कितना है, वो है टू। ऐसे ही अगर जेड ये लिखाओ जैसे माइनस टू माइनस आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड इट इज माइनस का टू, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो कितना, वो माइनस का वन। इमेजिनरी पार्ट होगा कौन सा, आयोटा का जो भी कोफिशियंट होगा। देखो यहाँ आपको क्या बताया ए एंड बी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना ए प्लस आयोटा बी, यानी जो आयोटा के साथ है एक तो वो नंबर जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में, एक वो नंबर जो विदाउट आयोटा है। तो ये जो ए है ये तो विदाउट आयोटा है, तो जो विदाउट आयोटा है वो तो रियल पार्ट कहा जाएगा, और जो विद आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तभी बता सकते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में एग्जैक्ट लिखा हो तो ही बता सकते हैं। ठीक, हम देखिए जैसे अगर ये एग्जांपल लिखा हो, जैसे एक और एग्जांपल बताऊं मैं, जेड इक्वल टू थ्री प्लस में टू आयोटा डिवाइड में आयोटा, अब नहीं बोल सकते, अब इसको पहले हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको ऐसे कर दिया देखो थ्री अपॉन में आयोटा प्लस में टू आयोटा अपॉन आयोटा, यहाँ तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, थ्री अपॉन आयोटा, ये मैंने आपको पहले बताया था कि वन बाय आयोटा किसके इक्वलेंट होगा, माइनस आयोटा के, तो यहाँ पर आ गया माइनस का थ्री आयोटा प्लस में टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया टू फिर माइनस का थ्री इंटू आयोटा। तो अगर इसमें पूछे हमसे तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो कितना है टू है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का थ्री, यानी जो आयोटा का कोफिशियंट है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में जो भी लिखा है विद साइन है ना, प्लस का नंबर है आयोटा के साथ तो प्लस का, माइनस का नंबर है आयोटा के साथ में तो माइनस का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट आयोटा लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा रियल पार्ट। तो आई होप इतनी चीज क्लियर होगी होगी आपको। देखो आप पढ़ रहे हैं एलजेब्रा, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो नंबरों को कैसे हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब के बारे में देखिए कि लेट
जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस में आयोटा बी वन एंड जेड टू इक्वल टू ए टू प्लस में आयोटा बी टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो फर्स्ट तो है इनका एडिशन, एडिशन कि इनका एडिशन कैसे करना है। एडिशन का मतलब जेड वन प्लस जेड टू, ये तो पहले जेड वन को लिख दिया ए वन प्लस में आयोटा बी वन, फिर जेड टू की वैल्यू पुट कर दी ए टू प्लस में आयोटा बी टू। अब ऐड कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ही ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ ही ऐड करेंगे। इसमें रियल कितना है ए वन, इसमें रियल है ए टू, यानी इनको लिखेंगे हम ए वन प्लस ए टू। फिर प्लस में इसमें इमेजनरी आयोटा बी वन, इसमें इमेजनरी बी टू, तो आयोटा तो कॉमन तो बी वन प्लस बी टू, तो ये तो हो गया इनका एडिशन। ठीक है, फिर अगर मैं लिखूं सब्ट्रैक्शन तो वो भी सेम ही होगा, सब्ट्रैक्शन तो वो भी सेम ही आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू। तो पहला नंबर लिख दिया ए वन प्लस में आयोटा बी वन, दूसरा नंबर लिख दिया ए टू माइनस में सॉरी ए टू प्लस में आयोटा बी टू, बीच में माइनस का साइन। तो अब सब्ट्रैक्शन भी सेम वही होगा, रियल वाला रियल से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी वाला इमेजनरी से ही सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ए वन माइनस ए टू फिर प्लस में आयोटा बी वन माइनस बी टू, तो ये हो जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन ऐसे नहीं होगा, देखो जैसे ये लिखा मैंने जेड वन जेड टू लिखा तो ए वन प्लस आयोटा बी वन, मल्टीप्लीकेशन जो हम आज तक पढ़ते आए हैं उसी टाइप से ही होगा कि वन बाय वन सबके साथ होगा। ऐसा नहीं कि रियल वाले का रियल के साथ ही हो, इमेजनरी वाले का इमेजनरी के साथ, ऐसा नहीं होगा, वन बाय वन सारे मल्टीप्लाई होंगे। देखो जैसे पहले मैंने इस ए वन को लिया, इस ए वन को मैंने वन बाय वन, पहले मैंने ए टू से किया तो ए वन ए टू, फिर मैंने इस ए वन को इस आयोटा बी टू से किया तो आयोटा ए वन बी टू, नाउ अब इस आयोटा बी वन को इससे किया तो आयोटा ए टू बी वन, इस आयोटा बी वन को आयोटा बी टू से किया तो आयोटा स्क्वेयर बी वन बी टू, एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन, सो ए वन ए टू इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया तो बन गया ए वन बी टू प्लस में ए टू बी वन एंड माइनस का बी वन बी टू, सो इट विल बी इक्वल टू ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आयोटा ए वन बी टू प्लस में ए टू बी वन, ऐसे। तो ऐसा नहीं कि इसको याद रखेंगे, बस ये ध्यान रखिए वन बाय वन जैसा हम पहले मल्टीप्लाई करते आए हैं दो एक्सप्रेशन का, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे आपको कहा कि एक्स प्लस वाई और वाई माइनस जेड इनको मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स को इससे कर दिया, फिर इस y को किया तो एक बार इससे किया पहले फिर इससे कर दिया, तो सेम वही मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं हम डिवाइड पे, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो देखिए फोर्थ एल्जेब्रा डिवाइड, यानी जेड वन अपॉन जेड टू अगर लिखूं तो जेड वन लिख दिया मैंने ए वन प्लस में आयोटा बी वन, जेड टू लिखा मैंने ए टू प्लस में आयोटा बी टू। अब डिवाइड में देखो ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं डिवाइड जैसे हम कर रहे थे, बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हमें उस आयोटा को एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो छोटी क्लासों में टेंथ में नाइन्थ में आप रेशनलाइज करते थे, जैसे कहीं पे ऐसे आया रूट टू प्लस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन, तो आप क्या करोगे इस वाले के अपोजिट साइन से, जैसे सपोज यहाँ रूट टू प्लस में थ्री है, रूट टू माइनस थ्री है, ठीक है, तो आपने क्या किया रूट टू प्लस थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको बोलते थे हम रेशनलाइज करना, है ना, ताकि नीचे से स्क्वायर रूट हट जाए डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से ही है, बस टर्म्स अलग है, वो जैसे आप ये करते थे सेम टू सेम वही करना है। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन ए टू माइनस आयोटा बी टू, इधर भी ए टू माइनस आयोटा बी टू, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा बस वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, देखो
जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, इफ़ जेड वन इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा एंड जेड टू इक्वल टू वन माइनस आयोटा, देन हमें सबसे पहले निकाल रहे हैं जेड वन प्लस जेड टू, तो वो कितना आएगा? देखो पहले जेड वन को लिखा मैंने टू प्लस थ्री आयोटा, फिर लिखा जेड टू को वन माइनस आयोटा, तो टू प्लस वन यानी थ्री, फिर थ्री आयोटा और माइनस आयोटा कितने बन गए? टू आयोटा। तो ये तो हो गया इनका सम। फिर ऐसे ही जेड वन माइनस जेड टू निकलना हो तो टू प्लस थ्री आयोटा, फिर माइनस में वन माइनस आयोटा, तो देखो टू माइनस वन वन हो गया, थ्री आयोटा माइनस और माइनस प्लस फोर आयोटा, तो ये हो गया ये। यानी ये तो सम निकाल दिया इनका, ये सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब निकाल रहे हम जेड वन इंटू जेड टू, ये कितना आएगा? तो देखो टू प्लस थ्री आयोटा इंटू में वन माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाय वन करेंगे, टू को वन से किया तो टू, फिर माइनस टू आयोटा, फिर थ्री आयोटा को वन से किया तो थ्री आयोटा, थ्री आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो माइनस का थ्री आयोटा स्क्वेयर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएंगे, प्लस थ्री एंड टू फाइव हो गया, थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा फाइव प्लस आयोटा। सिमिलरली जेड वन बाय जेड टू अगर फाइंड करें तो जेड वन है टू प्लस थ्री आयोटा एंड जेड टू वन माइनस आयोटा, तो क्या करेंगे? नीचे वाले के अपोजिट साइन से वन प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्चुअल में होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, यानी जो भी नंबर है उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, व्हाट इज कॉन्जुगेट। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि नीचे जो भी है उसके अपोजिट, अपोजिट साइन भी किसका? आयोटा का अपोजिट साइन, ये याद रखना। आयोटा का साइन माइनस का था ना, इसलिए प्लस का लिखा है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस थ्री आयोटा इंटू वन, तो ये तो ऐसे हो गया, देखो 2 प्लस थ्री आयोटा, फिर प्लस में 2 आयोटा, देखो 2 को पहले वन से कर दिया, चलो पूरा दोबारा लिख देते हैं, ऐसे लिखा 2 प्लस में 3 आयोटा इंटू में वन प्लस आयोटा, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई होगा हमेशा ही, तो वन का स्क्वेयर फिर माइनस में आयोटा का स्क्वेयर, ये बन गया टू प्लस टू आयोटा, फिर थ्री आयोटा को मल्टीप्लाई करूँ वन से, थ्री आयोटा प्लस में थ्री आयोटा स्क्वेयर, तो वन फिर माइनस और माइनस वन तो वन प्लस वन, तो टू और माइनस थ्री माइनस का वन प्लस का फाइव आयोटा और डिवाइड में टू, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का तो वन अपॉन टू और प्लस का फाइव अपॉन टू आयोटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने सीख लिया। चलिए अब एक जरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके, कि देखो ये को दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस पे आप स्क्रीन पे, तो फर्स्ट को सॉल्व करें। फर्स्ट इसमें कहा डिटरमाइन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा। अब देखो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, यानी ये ऐसे लिखा था वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा, ऐसे लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर में आयोटा आया, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अभी अभी मैंने बताया था ना कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से या कह दो उसके अपोजिट साइन से, आयोटा का जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो न्यूमरेटर में देखो क्या बना, वन प्लस आयोटा का होल स्केयर, इधर तो ये बन गया, इसमें क्या बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वन का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, इस पूरे की पावर क्या है, एन इक्वल टू वन, वन प्लस आयोटा का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर, उसको ओपन करें तो वन प्लस में आयोटा स्केयर प्लस में टू आयोटा, नीचे वन आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, तो वन प्लस वन हो गया, होल टू द पावर एन इक्वल टू वन। अब आते हैं देखो नीचे,
तो यहाँ पे वन प्लस आयोटा स्केयर, तो वन माइनस वन प्लस टू आयोटा और डिवाइड में टू, इस पूरे की पावर एन इक्वल टू वन। इस वन से वन कैंसिल, उसके बाद टू से टू भी कैंसिल हो गया, तो आयोटा की पावर एन। अब देखो पूछा क्या था, पूछा था हमसे कि लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू जिसके लिए आयोटा की पावर एन। आयोटा की पावर जीरो भी वन होती है, लेकिन जीरो जीरो पॉजिटिव नहीं है, तो यानी और आयोटा की पावर कब आती है, वन, फोर पे आता है वन, आयोटा की पावर फोर भी वन होता है ना, तो सबसे छोटी और पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई, एन इक्वल टू फोर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सम एन इक्वल टू वन से लेके फाइव तक। सेकंड जो है एन इक्वल टू सिग्मा, एन इक्वल टू वन से लेके फाइव तक, आयोटा की पावर एन, फिर प्लस में देखिए जरा कितना है, आयोटा की पावर एन और आयोटा की पावर एन प्लस टू, फिर आयोटा की पावर एन प्लस टू, ठीक है। तो हालांकि ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है कि वन से लेके फोर तक, फोर तक का, तो इसको ऐसे कर दिया, देखो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इसको अलग अलग कर दिया ऐसे, आयोटा की पावर एन, फिर एन इक्वल टू वन से लेके फाइव तक, आयोटा की पावर एन प्लस टू, और सिंपली। अब ये तो देखो वन से लेके फाइव तक, तो वन से फोर तक का सम तो जीरो ही हो जाएगा, आयोटा की वन, आयोटा की टू, फिर आयोटा की थ्री, आयोटा की फोर प्लस आयोटा की पावर फाइव, इसका तो ये मतलब है, इतना इतना इस वाले का, इसका मतलब क्या, वन रखेंगे तो कितना आएगा, आयोटा की पावर थ्री, फिर टू रखेंगे तो फोर आएगा, फिर एन की वैल्यू ऐसे रखते जाएंगे, लास्ट में फाइव रखेंगे, फाइव रखेंगे तो सेवन आएगा, यानी थ्री से लेके सेवन, तो थ्री फोर फिर फाइव आएगा, फिर सिक्स आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो पहली जो चार है, कौन सी चार, ये एक दो तीन चार, इन चार, इन चार का सम जीरो, इसमें इतने इतने का सम जीरो, इसमें ये बचेगा आयोटा की पावर फाइव, उसमें क्या बचा, आयोटा की पावर सेवन, आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू, आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू आयोटा ही होती है, आयोटा की पावर सेवन की वैल्यू आयोटा क्यूब होती है, फोर तक तो जीरो हो गया है ना, आयोटा क्यूब बचा, तो आयोटा फिर माइनस आयोटा यानी जीरो, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब देखो कुछ नोट में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, देन ए इक्वल टू जीरो कॉमा बी इक्वल टू जीरो, ये तो है ही, एंड ए इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा ऑल्सो पॉसिबल, ये तीन है। ठीक है, कि अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू जीरो है, जैसे हम रियल नंबर में तो क्या बोलते थे कि अगर दो स्क्वेयर का सम इक्वल टू जीरो आता है तो उनको इंडिविजुअल जीरो तो होना ही पड़ेगा, यानी यह तो हम कहेंगे कि ए जीरो है बी जीरो है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ए की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा भी हो जाए, कैसे, इसको ऐसे सोल्व कर दिया, देखो ए स्क्वेयर फिर इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया, स्क्वेयर रूट लिया लेंगे, इधर इसका स्क्वेयर रूट, इधर माइनस बी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, तो माइनस वन का तो क्या हो गया आयोटा, एक प्लस माइनस बी रूट बी, और एक सॉरी बी आ जाएगा, रूट बी तो नहीं होगा, यहाँ पर इसको तो हटाएं, इधर ए आ जाएगा, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी, यानी ये भी पॉसिबल है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर,
सेकेंड पॉइंट कि इनइक्वालिटी डज नॉट एप्लीकेबल इन इमेजिनरी नंबर कि इनइक्वालिटी जो है वो इमेजिनरी नंबर में अप्लाई नहीं होगी कभी भी। जैसे अगर ये कहें कि 1+ iota 2 iota से बड़ा है तो ये गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये मीनिंगलेस बात है? ऐसा क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स जो है वो तो क्या है, वो तो कोई लेंथ तो होती नहीं, कोई लेंथ थोड़ी है, उनको नंबर लाइन पे तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो यानी वो किसी भी कोई लेंथ को वो नहीं बताते, और जो नंबर ही इमेजिनेशन में है उनको तो हम क्या बताएं कि वो कौन सा नंबर किससे बड़ा है। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा है 4 iota > iota तो ये भी गलत है। इनइक्वालिटी ओनली एंड ओनली रियल नंबर में ही एप्लीकेबल है। हाँ अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 4 > 3 तो ये करेक्ट है, 4 > 3 ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर में है। सिमिलरली अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि 5+3 iota > only iota तो ये भी क्या है, मीनिंगलेस है। तो इसका मतलब जब भी इमेजिनरी नंबर आएंगे, ठीक है, तो उसमें कभी भी इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं होगी। चलिए अगर किसी ने एक, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इसी में एक स्टूडेंट ने ऐसा किया, आप बताइए ज़रा सोच के कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, वैसे कहा कि ये तो 1 हो गया, ये आयोटा हो गया, इसको आयोटा बोल दिया, तो ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी, देखो रूट में 1 का स्क्वायर + iota का स्क्वायर 1 फिर -1 0 का स्क्वायर रूट 0। तो उसने कहा ये साइड 0 होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर कहा कि देखो सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ पर ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आयोटा, कैसे ये आयोटा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने मेरे को, एक स्टूडेंट ने ये भेजा कि सर बताइए ये सही है या गलत है कि ये 1 है, ये आयोटा है, ये 0 है। तो वो 0 है तो फिर उसकी लेंथ तो 0 है ही नहीं, दिख ही नहीं रही, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आयोटा जो है, इस आयोटा को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब आयोटा कोई लेंथ तो हो ही नहीं सकती ना। आयोटा तो एक इमेजिनरी नंबर है जो रियल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपने उसको अगर इतनी लेंथ बना दिया तो आपने उसको क्या कर दिया, रियल एज्यूम कर लिया, जबकि ये रियल है ही नहीं। तो ये करेक्ट नहीं है, ये इसमें गड़बड़ती है। चलिए अब आता है ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट 3 कि इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर कि यानी इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में। इनइक्वालिटी का तो बता दिया, इनइक्वालिटी तो होल्ड करेगी नहीं कभी भी, इनइक्वालिटी तो मतलब एप्लीकेबल होगी नहीं। अब इक्वालिटी यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो अब उसी बारे में बात कर रहे हैं। लेट z1 इक्वल टू a1+iota b1 एंड z2 इक्वल टू a2+iota b2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z1 इक्वल टू z2। अगर मैंने एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1, एक लिया z2, तो यानी z1 को लिखा a1+iota b1 और z2 को लिखा a2+iota b2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो, यानी a1 इक्वल टू a2 ये हो, या फिर b1 इक्वल टू b2 यानी रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में इक्वल है। रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब दोनों सेम ही तो होंगे, अलग अलग थोड़ी रहे। जैसे मैंने ये लिखा एक तो 1+iota, अब मैंने एक और लिख दिया 1+iota, तो ये दोनों तो सेम ही है क्योंकि इसका रियल 1 है, इसका भी रियल 1 है, इसका इमेजिनरी 1 है तो इसका भी इमेजिनरी 1, तो वो दोनों तो सेम ही है।
एंड तो ये हमारे बहुत काम आएगा। जैसे इस पे हमारे पास काफ़ी सारी इक्वेशंस आएगी, जैसे इस टाइप की कि फाइंड, जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं, फाइंड एक्स एंड वाई, हालांकि आगे भी करेंगे हम, इफ 2 + 3 आयोटा एक्स इक्वल टू वाई माइनस आयोटा, वाई माइनस आयोटा ये कितना है, इसको हटा देते हैं, बोलो y माइनस आयोटा जैसे ये दिया। तो अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए थे, देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो हमने क्या किया, रियल वाले को रियल से कंपेयर कर दिया, यानी दोनों दोनों नंबर इक्वल तब होंगे जब उनके दोनों के रियल पार्ट, इस साइड में रियल पार्ट है 2, इस साइड में रियल पार्ट कौन सा है, वाई। हाँ, इसमें ये और गिवन है कि एंड एक्स कॉमा वाई दोनों क्या हैं, रियल नंबर है, एक्स और वाई बोथ आर रियल नंबर, वरना तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो 2 = y, इधर रियल y, इधर रियल, ये इधर रियल है, इधर इमेजिनरी हो गया 3x और इधर इमेजिनरी है -1, तो यानी y की वैल्यू तो 2 है और x की वैल्यू है माइनस का 1/3। तो इस टाइप के हमारे पास थी, तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल बताया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वल गिवन होंगे, इक्वल गिवन होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके दोनों के रियल पार्ट को इक्वल करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए, थर्ड, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। देखिए पॉइंट फोर है अर्जेंट प्लेन। अब ये क्या चीज आई, नहीं देखो, इससे पहले अगर आपने कभी ग्राफ बनाया हो, जैसे 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उस चैप्टर में, कि आपने दो एक्सिस लिए, उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे और कहते थे कि दो एक्सिस है, उसमें एक एक्सिस एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 है, ओरिजिन जिसको बोलते थे 0 0, तो वो तो था कार्टेशियन प्लेन, उसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में अब दोनों आ गए, रियल भी और इमेजिनरी भी, यानी इनको प्लॉट करने के लिए हमने एक अलग से प्लेन बनाया, अर्जेंट प्लेन जिसको बोलते हैं, और ये अर्जेंट नाम के एक मैथमेटिशियन ने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए इस प्लेन को नाम दिया है अर्जेंट प्लेन, कि दो एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो वर्टिकल है, ये वाला, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको तो बोलते हैं हम रियल एक्सिस, और ये वाला इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसको हम इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल एक्सिस पे क्या जाएगा, रियल पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मुझे 2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करना है इसमें प्लेन में, तो मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, एक्स तो 2, ये तो 0, ये वही है, ये 0 0 ही होगा हमेशा, 0, 0, ठीक है, जैसे 1, 2, ये हो गया 1, 2, फिर 3, तो 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ देखो x तो 2 हो गया, x मतलब रियल एक्सिस पे, तो रियल पार्ट तो हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट यहाँ 3, तो यानी ये वाला पॉइंट है 2 + 3 आयोटा ऐसे। सेम एक और एग्जांपल जैसे बताऊँ, अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो -1 - 2 आयोटा, जैसे इसको, तो इसमें भी मैंने ये अर्जेंट प्लेन बनाया ऐसे, ये यहाँ से आगे एक्स तो -1 इधर, वाई -2 यानी -1 - 2, तो यानी इधर -2, ये वाला पॉइंट होगा -1, -2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेन का यूज करते हैं जिसको अर्जेंट प्लेन बोलते हैं, जिसमें दो एक्सिस होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, और इस टाइप से हम इन पॉइंटों को प्लॉट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना सब समझ में आ गया होगा आपको।
और अभी अभी जैसे हमने कहा कि दो पॉइंट इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी होल्ड कर रही थी ना, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ बताऊं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू इक्वल तभी होंगे जब वो अर्गेंड प्लेन में एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं इसमें बता दूं कि जेड वन इक्वल टू जेड टू पॉसिबल, देन जेड वन एंड जेड टू आर सेम पॉइंट इन अर्गेंड प्लेन, अर्गेंड प्लेन का जेड वन और जेड टू अगर आपस में इक्वल है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, किसमें, अर्गेंड प्लेन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हमने नोट में, रिपीट कर देता हूँ। ए स्केयर प्लस बी स्केयर अगर जीरो है तो ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, दोनों भी जीरो हो सकते हैं, एंड ए इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा भी हो सकता है। फिर इनइक्वालिटी इमेजिनरी नंबर में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और जेड वन जेड टू अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों। और अगर अर्गेंड प्लेन में अगर उनको रिप्रेजेंट करें तो दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। फिर अर्गेंड प्लेन बता दिया क्या चीज़ है। अब चलिए कुछ कपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन कि इफ आर इक्वल टू जीरो से लेके 100 तक आयोटा की पावर आर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड एक्स एंड वाई। सिग्मा का मतलब तो आपको मैंने बताया था, देखो क्या होता है। जैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अपन आयोटा की पावर आर, यानी आर की जगह जीरो रखो, आयोटा की पावर पहले जीरो, फिर आयोटा की पावर वन, फिर आयोटा की पावर टू, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चले गए हम चले गए आयोटा की पावर, लास्ट में कहाँ तक पुट करेंगे, 100 तक। अब आप देखो, ये हमने पढ़ा था कि चार कॉन्जुगेट पावर्स का सम हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा कॉन्जुगेट पावर्स का। तो अगर मैं कहूँ जीरो से लेके या फिर ऐसा कर दो यहाँ से लेके ये सब फोर के मल्टीपल हैं, तो ये तो जीरो हो गए। क्या बचा, आयोटा की पावर जीरो, वो कितना हो गया, वन। किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है, ये सारा का सारा अगली टर्म जीरो हो गई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वन प्लस में आयोटा इंटू जीरो, ऐसे लिख दिया। तो आप देखो, एक्स की जगह तो वन है, कंपेयर करें तो वाई की जगह कितना हो गया, जीरो, यानी एक्स की वैल्यू तो वन हो गई और वाई की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे आर इक्वल टू जीरो से 100 तक आयोटा की पावर टू, टू की पावर आर, ये है ए प्लस में आयोटा बी, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी क्या है, रियल नंबर, देन फाइंड ए कोमा बी। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये भी उसी टाइप का ही। आर की जगह पहले मैंने सिग्मा को लिख दिया आर इक्वल टू जीरो से लेके 100 तक आयोटा की पावर टू, टू की पावर आर। तो ये देखो क्या बनेगा, आयोटा की पावर टू की पावर जीरो, फिर आयोटा की पावर, सॉरी ये तो हो गया आयोटा की पावर टू की पावर वन, फिर आयोटा की पावर टू की पावर टू, फिर आयोटा की पावर टू की पावर थ्री, ऐसे चलते गए लास्ट में कहाँ तक, आयोटा की पावर टू की पावर 100 तक, ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, ये तो कितना बन गया, टू की पावर जीरो कितना होता है, वन, तो आयोटा की पावर वन, ये कितना बन गया, आयोटा की पावर टू। अब ये आयोटा की पावर, ये आयोटा है, आयोटा की पावर टू की पावर टू यानी फोर, फिर आगे टू की पावर थ्री। अब देखो इन सब में, इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं ये सब, जैसे टू की पावर टू, ये क्या हो गया, फोर इंटू वन,
फिर 2 की पावर 3, इसमें भी ऐसे ही है 4 इंटू 2, फिर 2 की पावर 4, इसमें भी 4 इंटू में 2 की पावर 2, तो आगे जितने भी सेम 2 की पावर 100, इसको भी ऐसे कर दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 100। और ये हमने पढ़ा था, देखो कि आयोटा की पावर 4n ये कितना होगा, 1 होगा, यानी ये अगले सारे के सारे कैसे हैं, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल हैं सब, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1, क्योंकि ये सब के सब क्या है, आयोटा की पावर 4n, 4 के मल्टीपल टाइप है, तो ये सब कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये तो आयोटा, ये माइनस 1, फिर प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट वाला ये भी 1, तो ये टोटल टर्म्स कितनी होगी, देखो आप 2 की पावर 2, ये टोटल टर्म्स है 4, इसमें देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2, ये यहाँ है, ये तो केवल एक ये छोड़ा है, तो 499 टर्म्स है, और एक माइनस का ये 1 इस वाली को कैंसिल करेगा, तो कितना बन गया, आयोटा प्लस में 498। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूं, अगर ए प्लस आयोटा बी से, तो ए की जगह तो 498 और बी की जगह 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू तो 498 है, 498, और बी की वैल्यू है 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और जैसे देखो एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछें कि ए प्लस आयोटा बी जेड, ये जेड, या फिर ऐसे लिखते हैं इफ, देखिए ऐसे लिखें कि इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज क्या हो जाएगा, माइनस जेड, है ना, यानी माइनस का ए माइनस आयोटा बी, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1 बाय जेड। 1 बाय जेड का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में a प्लस आयोटा बी। फिर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे सिंप्लीफाई करेंगे पूरा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको।